ऑलराइट, सबको स्वागत है यार इस वीडियो के अंदर में, जिसका नाम है हमारे पास में डब्ल्यूबीजेई 2023 सीक्रेट स्ट्रेटजी फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर आप डब्ल्यूबीजेई 2023 का एग्जाम दे रहे हो, है ना, अगर आप डब्ल्यूबीजेई 2023 का एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है और आप इस वीडियो के अंदर में आ गए हो, तब तो आपकी जो है गेम चेंज होने वाली है। अगर आपका सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी, बात बड़ा सिंपल है, डब्ल्यूबीजेई 2023 का एग्जाम दे रहे हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी टारगेट है, जादवपुर यूनिवर्सिटी जाना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप वेस्ट बंगाल के, इंडिया के नंबर वन डब्ल्यूबीजेई चैनल के अंदर में आए हो, मोस्ट फॉलोड डब्ल्यूबीजेई चैनल के अंदर में आप आए हो, तो सबको वेलकम है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी किस तरीके से आप पहुंच सकते हो, मेरे बारे में थोड़ी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उस चीज को जो है अचीव कर सकते हो। ठीक है, मेरी जो रैंक थी वो थी AIR 849 डब्ल्यूबीजेई के अंदर में, और 849 रैंक में आपको पता है जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल जाता है, सिविल केमिकल वो सारे ब्रांचेस मिल जाते हैं। अगर आपको और अच्छी ब्रांचेस चाहिए, मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस, आपको 300, 200, 100, 400 उस रेंज में आपको जो है रैंक लानी पड़ेगी। बट अंडर 1000 रैंक एक ऐसा रैंक होता है जो सारे बच्चे विश करते हैं कि यार हमारे डब्ल्यूबीजेई के अंदर में अंडर 1000 रैंक आ जाए। ठीक है, मैं कोलकाता से ये वीडियो बना रहा हूँ, हमें बांग्ला खूब भालो करे जानी। डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम मैंने दो बार दिया एक्चुअली, पहली बार दिया था तो मेरी रैंक आई थी 2400 और दूसरी बार मेरी रैंक आई थी 800, जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है। तो मेरे को डब्ल्यूबीजेई एग्जाम का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, दोनों बार मेरी रैंक अच्छी आई, 2400 भी अच्छी रैंक होती है और 849 भी जो है अच्छी रैंक होती है। तो डब्ल्यूबीजेई एग्जाम को मैंने अच्छे से घोल करके पी रखा है, और पिछले 3-4 सालों से हर साल हमारे स्टूडेंट्स जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। आप अपने सीनियर से पूछोगे जादवपुर के अंदर में, जो अभी सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो आपको बताएंगे AR स्क्वाड चैनल के बारे में। राइट, अब डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम क्या है ना, एक इजी लेवल का एग्जाम होता है ना, जेई मेन जितना, IIT जितना टफ नहीं होता है। डब्ल्यूबीजेई एक स्टेट एग्जाम है, जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं ना, उनका जो क्वेश्चन का लेवल होता है कंपेरेटिवली आसान होता है। अगर आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हो तो आपको डब्ल्यूबीजेई के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते होंगे, जेई मेन के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते होंगे। अभी रिसेंटली हमारे पास में जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट का जो है रिजल्ट आया, और आप लोग देख सकते हो, चैनल में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, कम्युनिटी पोस्ट देखो, आपको पता लगेगा कितने सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्सक्लूसिव कोर्सेज में थे, यूट्यूब के वीडियोस देखते थे, और वो सिर्फ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बेसिस पर अच्छे परसेंटाइल लेकर के आए हैं। ठीक है, 90-90 परसेंटाइल सिर्फ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बेसिस पर लेकर के आए हैं, और जो बच्चे ऑलरेडी 90 परसेंटाइल पे थे वो 97-98 परसेंटाइल तक अपने मार्क्स को जो है बूस्ट किए हैं। और डब्ल्यूबीजेई के भी अंदर में आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना जो, जब वो जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच जाते तो वो शेयर करते हैं हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारे कोर्सेज के बारे में। राइट, सो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर पहली बार आए हो, नए आए हो, तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप हो सके कि हाँ, जब डब्ल्यूबीजेई जादवपुर यूनिवर्सिटी अगर आपको पहुंचना है तो आप मेरी बातें क्यों ट्रस्ट करके सुन सकते हो। ठीक है, मैंने भी कुछ अचीव किया है और काफी सारे आपके सीनियर्स को मैंने अचीव कराया है, तो मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं क्या सीक्रेट है जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने का, सीक्रेट टू गेट जादवपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, सीक्रेट टू गेट जादवपुर यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचना बहुत आसान है अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का यूज ले लो तो। ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए स्कोर कितना चाहिए होता है, मेरे टाइम पे जो स्कोर चाहिए होता था वो 105 110 का स्कोर चाहिए होता था, जो मेरी रैंक आई थी। आजकल 80-90 का स्कोर जो है, 90 का स्कोर अगर आप लाते हो तो अच्छा रैंक आपको जो है मिल जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग टारगेट ये रखेंगे, हमारा टारगेट क्या रहेगा, हालांकि वो पेपर टू पेपर डिपेंड करता है, बट हमारा टारगेट स्कोर रहेगा 90। ठीक है ना, 90 प्लस का हमारा जो है टारगेट स्कोर रहेगा आउट ऑफ 200 डब्ल्यूबीजेई के अंदर में। अब प्रॉब्लम क्या होता है समझना, जादवपुर यूनिवर्सिटी बच्चे क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो स्कोर लेकर के आते हैं 200 में से, वो लेकर के आते हैं कितना, 40 के आसपास, 40-50 के आसपास। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो एवरेज है, थोड़ा बहुत पढ़ाई करे हैं। ठीक है, एकदम ही गए गुजरे बच्चों की मैं यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई करा है, थोड़ा बहुत, ज्यादा पढ़ाई करोगे तो जादवपुर आसानी से पहुंच जाओगे। ठीक है, मैंने तो ज्यादा भी नहीं करा था, मतलब ज्यादा की भी एक लिमिट होती है, आप अपने हिसाब से आप समझो। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो रैंक 5000-10000 ऐसी रैंक जो लेकर के आते हैं। ठीक है, जो 20000 ऐसी रैंक जो बच्चे लेकर के आते हैं, उनका जो स्कोर है वो 40-50 के आसपास रहता है डब्ल्यूबीजेई के अंदर में, एक एवरेज में आपको बात बता रहा हूं, पेपर टू पेपर डिपेंड करता है हर साल। सो हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है कि इस स्कोर से हम इस स्कोर तक पहुंच सके।
इसकी क्या स्ट्रेटजी, उसी को हम कहेंगे सीक्रेट टू गेट जादवपुर यूनिवर्सिटी या फिर सीक्रेट स्ट्रेटजी फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे पहली बार नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैंने 2021 में बनाया था, फिर उसके थंबनेल को मैंने एडिट किया था और थंबनेल को चेंज करके मैंने 2022 कर दिया था, और उस वीडियो में 50,000 यू नो 50-60,000 व्यूज है इस वीडियो के अंदर में, 2 साल के अंदर अंदर। WVG कितने बच्चे देते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1,00,000 बच्चे है ना। 50-60,000 व्यूज मेरे उस वीडियो के अंदर में, स्ट्रेटजी फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में, आप जाकर के देखना सीक्रेट स्ट्रेटजी फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी 2022 सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। अब इसको मैं दोबारा से बना रहा हूँ 2023 के लिए, ठीक है, ताकि ये नए बच्चों तक भी रीच करे, क्योंकि यूट्यूब पे SEO वगैरह चलता है। सो 2023 के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपको समझाऊंगा कि अब आप यहां से यहां कैसे पहुंच सकते हो। हमारे यूट्यूब पे एक फ्री प्लेलिस्ट चलती है ट्रिक्स की, ट्रिक्स की एक फ्री प्लेलिस्ट चलती है, ठीक है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की हर साल चलती है। तो 2023 की प्लेलिस्ट हमारे पास में चल रही है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्री प्लेलिस्ट का। और साथ में हमारा एक्सक्लूसिव पेड कोर्स होता है, एक्सक्लूसिव पेड कोर्स होता है, ठीक है, ये हमारे पास में एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है, ठीक है, ये 5 घंटे का हमारे पास में कोर्स होता है। इसके अंदर में सारे स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रिक्स, ऑन स्पॉट पेपर ट्रिक्स, किस तरीके से आप एग्जाम में जब आप बैठे रहोगे WVJEE के एग्जाम में, ऑन स्पॉट किस तरीके से आप ट्रिक्स लगाओगे, पूरे पूरे पेपर में किस तरीके से आपका माइंडसेट रहेगा, क्या साइंटिफिक स्टडी टेक्निक से लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन क्या है, कम टाइम में किस तरीके से आप अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो, पूरा सही स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आपको सीखना है तो कोर्स के अंदर जाओ। यूट्यूब के अंदर में बहुत सारे वीडियोज होते हैं, तो वहां से फिर जो बच्चा खुरेद करके निकाल सकता है उसको फायदा होगा, ठीक है, अदरवाइज आप कोर्स के अंदर जाओगे तो पूरा प्लान्ड वे में पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट, और कोर्स में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी है जो यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है, बहुत सारे फंडामेंटल्स जो है, बहुत सारे साइंटिफिक टेक्निक्स जो है, और लेटेस्ट जो पेपर्स है हमारे पास में, ऑन स्पॉट फुल पेपर ट्रिक्स, ये सब आपको कोर्स के अंदर में मिलेगा। यूट्यूब पे प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, दोनों ही अच्छा है, बस कोर्स और ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा अच्छे तरीके से आपका जो है काम निकल करके आ जाएगा। ये कोर्स की अभी प्राइस है ₹799 आफ्टर डिस्काउंट मैं बता रहा हूं, और अभी 2022 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जो आपके सीनियर्स को कोर्स मिला था ना, वो कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा 2023 के एनरोलमेंट के साथ। अभी कुछ दिन ये ऑफर है, ऑफर एंड होने वाला है, ठीक है, और प्राइस भी इसकी बढ़ने वाली है, आप लोग एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कैसे एनरोल करना है वो बताऊंगा, बट पहले बताता हूं कि फायदा कैसे होगा, किस तरीके से इंप्रूवमेंट होगा। सपोज कर लो आपने WVJEE के अंदर में 200 में से 50 मार्क्स सॉल्व किया, सपोज अब 150 मार्क्स आपके बच गए, ठीक है, तो जो 150 मार्क्स आपके बच गए उसमें से अगर आप 40% सही कर लो, ठीक है, देखो अगर आप ब्लाइंड गेस करोगे, ब्लाइंड गेस अंधा तुक्का जिसको बोलते हैं ना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यहां पे लिखता हूं मैं, ब्लाइंड गेस की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो रहती है 25% की, है ना, 4 में से 1 ऑप्शन सही। मैं ये करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटेलिजेंट गेस, इंटेलिजेंट ट्रिक्स, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाने की बात कर रहा हूं। तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, ठीक है, जेई मेन में लगता है तो WVJEE में तो बहुत आसानी से लगता है, ठीक है, ट्रिक्स एंड चीट कोड से आप ये जो प्रोबेबिलिटी सही होने की आपकी 25% है, इसको आप बढ़ा करके 40% तक ले जा सकते हो आराम से, 50% भी ले जा सकते हो कई केसेस में, बट मैं मिनिमम वाला मान रहा हूं। तो अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड से 40% सही कर दो जो बचे हुए क्वेश्चन है, समझना आप बात को, आपने मान लो 200 में से आपने 50 मार्क्स सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो 50 मार्क्स आपका क्या हुआ, डन हो गया। अब इस 50 मार्क्स में आपकी रैंक आएगी 5000, 10000, 20000 जो भी आएगी, आपको बढ़ा करके कहां जाना है, 90 मार्क्स तक जाना है। तो जो बचे हुए 150 मार्क्स है उसको आप अटेम्प्ट करो, उस बचे हुए 150 में से मैं ये अज्यूम करता हूं कि आप 40% अगर सही करो तो 60% आपके गलत भी होंगे, है ना, तो 40% का मैं पॉजिटिव स्कोर लेता हूं, 60% का मैं नेगेटिव स्कोर लेता हूं। WVJEE में पैटर्न कैसा रहता है, +1 -0.25 या फिर +2 -0.5, और वहां पे नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है ना, मल्टीपल करेक्ट के अंदर में। ऑन एन एवरेज जो हमारा पैटर्न रहता है वो रहता है 4 times negative, 4 times positive, पॉजिटिव विल बी 4 times एंड नेगेटिव विल बी 1 time, राइट, ये पैटर्न रहता है रफली। अगर +1 -0.25 का पैटर्न है तो भी यही है 4 or 1, 4:1 का रेशियो, ठीक है, तो बेसिकली प्लस और माइनस का 4:1 का रेशियो रहता है एवरेज। ये मैं एवरेज ले रहा हूं क्योंकि थोड़ा बहुत मल्टी करेक्ट भी होता है, वहां नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, और हो सकता है वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, राइट,
तो एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से मैं दिखाता हूँ आपको कि 150 में से 40% आप सही करो, 60% अगर आप गलत करो, तो 150 का 40% कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 60 मार्क्स, तो प्लस 60 है ना, 150 का 100 का 40% 40, 50 का 40% 20, 40 प्लस 20 60, और 60% गलत होगा तो गलत होने का कितना हुआ, 150 में से 60 गलत होने का मतलब है 90 गलत हो गया, 90 गलत हुआ तो 90 इंटू 0.25 1/4 माइनस करोगे तो कितना माइनस करोगे, आप माइनस करोगे -22.5 अप्रोक्स, इतना आप माइनस कर दोगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है, 60% गलत होने का मतलब है 150 में से 90 मार्क्स गलत हो गया, मतलब गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग उसका कितना लिया, 1/4, 4:1 का पैटर्न है ना, नेगेटिव होने पे 0.25 या फिर 0.5, सही होने पे +2 या फिर +1, जो भी है +4 -1 जिस भी टाइप का क्वेश्चन है, तो यहां पे अगर सही हुआ तो मैंने कितना लिया, 60 ले लिया 150 में से एक एग्जांपल के तौर पे, और गलत हुआ 60 मार्क्स का सही हुआ तो +60 ले लिया, और 90 मार्क्स का गलत हुआ तो 90 × 1/4 22.5 मैंने नेगेटिव ले लिया, तो नेट स्कोर यहां से कितना आया आपका, यहां से आपका नेट स्कोर आया +37.5, तो ये आपका स्कोर इंक्रीमेंट है। तो जो आपका स्कोर अभी 50 मार्क्स पे था उस पे अगर आप इस 150 जो बाकी के क्वेश्चन जो आप छोड़ रहे थे एग्जाम में, बच्चे जनरली क्या करते हैं 50 मार्क्स का सॉल्व करते हैं बाकी छोड़ देते हैं, और फिर जो भी उनकी रैंक आती है उसमें खुश रहते हैं, फिर रोते रहते हैं कि मेरे को जादवपुर नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मैंने यार स्क्वाड की वीडियो नहीं देखी, तो 50 मार्क्स आप करो अच्छे से, उतना आप कर लेते हो ठीक है, 20-25 मार्क्स मैथ्स में, 20-25 मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के, लेकिन जो बचे हुए क्वेश्चन है जो आप छोड़ देते हो वहां आप ट्रिक्स लगाओगे, वहां आप तुक्का ट्रिक्स लगाओगे, वो सारी चीजें आपको सिखाऊंगा मैं कैसे करने हैं, आप घर से मॉक टेस्ट दे करके जाओगे, आप देखोगे आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, सब बच्चे के लिए वर्क करता है, आपका केवल दिमाग ओपन हो और आप सीख जाओ और आप करना स्टार्ट कर दो, आपको दिख जाएगा, घर में आप मॉक टेस्ट दोगे आपके नंबर आपको घर में ही बढ़ते हुए दिख जाएंगे, फिर आप उसको एग्जाम में जाकर रेप्लीकेट करोगे। तो सिंपल है, एक रफ कैलकुलेशन बताया, 150 का अटेम्प्ट करोगे उसमें से 40% सही होगा, 25% तो ब्लाइंड गेस में सही होता है, मैं 40% मान रहा हूँ क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देंगे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके और ट्रिक्स लगा के, तो 40% से होगा तो +60 आपका सही होगा और 90 मार्क्स आपका गलत भी होगा, तो 90 मार्क्स जो गलत होगा उसका अप्रोक्सीमेटली 22.5 के आसपास नेगेटिव, और 60 मार्क्स जो सही होगा 60 मार्क्स के आसपास पॉजिटिव, तो नेट आपका 37.5 मार्क्स का आपका बूस्टअप हो जाएगा, तो जो स्कोर आपका 50 पे था, जो स्कोर आपका 50 पे था वो अब आपका 90 के पास पहुंच जाएगा, 90 के पास जैसे ही आपका स्कोर पहुंचेगा तो जो रैंक आपका 5000 10000 आ रहा था वो अब आपका रैंक कहां पहुंच जाएगा, इसके करीब पहुंच जाएगा, अंडर 1000 के करीब आपका रैंक जो है पहुंच जाएगा। मैंने यही किया था, मेरी जो रैंक आई थी ना 849 ऐसे ही आई थी, 2400 रैंक भी जो आई थी ना उसके पिछले साल 2016 में 2400 रैंक आई थी उसमें भी ऐसे ही इंप्रूव किया था, और फिर 2017 में और अच्छे से सारी चीजें समझ करके 849 रैंक में लेकर के आया था ठीक है, ट्रिक्स एंड चीट कोड से। तो बात यही है, सीक्रेट स्ट्रेटजी यही है कि अगर आप कम अटेम्प्ट करोगे, अगर आप 40-50 नंबर का अटेम्प्ट करोगे तो आपके कभी भी 70-80-90 नंबर नहीं आएंगे, अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं तो बचे हुए क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और वो अटेम्प्ट कैसे करने हैं आपको, ट्रिक्स एंड चीट कोड से आपको अटेम्प्ट करने हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अटेम्प्ट करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग करना है ठीक है, बहुत सारे ट्रिक्स के तरीके होते हैं वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, पूरा डेडिकेटेड कोर्स है, इसमें आप एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं है आपको, तो आप ट्रिक्स के जो फ्री एपिसोड्स है यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे सर्च करो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स फॉर WBJEE आयुष राठी AR स्क्वाड, आपको मिलेंगे, तो आप 2-4 वीडियोस देखोगे आपको समझ आ जाएगा कैसे काम करती है ट्रिक्स ठीक है, काम करती है 100% करती है, और इसमें ऐसा भी नहीं कि नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वेगेटिव नहीं होता, सिंपल सी बात है, देखो ब्लाइंड गेस की प्रोबेबिलिटी 25% है, इसका मतलब क्या हुआ, दो मतलब इसका हुआ कि आप चार में से आप तीन गलत करोगे एक सही करोगे है ना, ब्लाइंड गेस की प्रोबेबिलिटी 25% है, मतलब आप चार क्वेश्चन में तीन गलत करोगे एक सही करोगे 25%, तो जो तीन गलत होंगे उसके माइनस कितने होंगे, -0.25 तो -0.75, लेकिन जो एक सही होगा उसके लिए आ जाएगा +1, तो नेट तो प्रॉफिट हो गया ना आपका, देखो ये तो आपका 0.25 प्लस हो गया ना, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये ब्लाइंड गेस की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कैलकुलेशन है, तीन गलत हुआ एक सही हुआ तो आपको प्रॉफिट ही हुआ, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं उसकी परसेंटेज 40% रहेगी, हम एक्यूरेसी को बढ़ा देंगे,
तो जब हम एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे तो हमारे चार में से पांच में से दो सही हो जाएंगे, ठीक है, 40% में पांच में से दो सही हो जाएंगे। तो दो अगर सही होंगे तो प्लस टू, और तीन अगर गलत होंगे तो -0.75, तो नेट देखो 1.25 का तो इंक्रीमेंट हो गया ना पांच क्वेश्चन के अंदर में, तो पांच क्वेश्चन में 1.25 इंक्रीमेंट हुआ, तो 50 क्वेश्चन में कितना इंक्रीमेंट होगा, समझ रहे हो, 100 क्वेश्चन में कितना इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो 30-40 नंबर आप आराम से जो है इससे आप बढ़ा सकते हो। ये वीडियो को अगर आपने ओपन माइंड से देखा है और AR Squared चैनल को अगर आप फॉलो करोगे, इस वीडियो को अगर आपने स्किप नहीं कर रहा है, तो आपकी जिंदगी जो है बदलने वाली है। अगर आपको नहीं भरोसा होता तो जो वीडियो मैंने 2022 में बनाया था, ये वाला जो वीडियो मैंने बताया, उसके कमेंट सेक्शन में जाके देखना, आपके सीनियर सारे जादवपुर में आज बैठे हुए जो उस वीडियो के अंदर में कमेंट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द गेम चेंजिंग वीडियो यार, इसको आपको फॉलो करना है, WBJ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको सीखना है, दोनों तरीके से आप सीख सकते हो, आपको बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके एनरोल करो, 2023 के अंदर में जो है झंडे गाड़ो। WBJ एक बहुत ही अच्छा बैकअप एग्जाम आप लोगों के लिए होता है, अगर आपका जेई मेन में नहीं होता अच्छे NITs के अंदर में, तो जादवपुर जो है आप पहुंच सकते हो WBJ के थ्रू, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।